भाई भो जागो जैसे छाई अरुणाई भूले रतिया का घन घोर धूले रतिया का घन घोर भाई भो जागो सपन चदरिया मन की हटा कर्म गठर बांध उठा सपन चदरिया मन की हटा कर्म गठरिया बांध उठा नई दिश का कर ले तू ठार जागे दस दिशा की बोली जीवन नैया की डोली बढ़ जाए पथ पे ले ही लो भाई भो जागो नमः ओम नारायणाय नमः ओम गणेशसूर्याय आदित्याय ओम विश्वानि देव सवितर दुरतानि परासव यदभद्रम तन्नासव पल न पल्लव हल राय सरिता कलिमल हर जाए घंटे घन अनहद जैसे गाए उड़ता जाए पाखी नहीं छो भाई भो जागरे बटोहिया जगत है बिहाना थाम डो जागो भाई भो प्रणाम पंडित जी वेलकम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय अरे पंडित जी पाय लागी पंडित जी आप तो लेट हो गए पंडित जी सूर्य भगवान तो कब से उदय हो गए रात को विवाह संपन्न करके घर देर से लौटे तो हमारा वो 3 बरस का ननकू रोना ही ना बंद हुआ पिछले कई दिनों से अस्वस्थ है वो टट्टी लगी रहती है उसी
वो सोया तो तनिक आंख सी लग गई, इसी बीच सूर्योदय भगवान भी उदय हो गए। सूर्योदय तुम्हारी सुविधा अनुसार नहीं होगा दयाशंकर, सूर्य अनुसार जीवन व्यतीत करना प्रत्येक ब्राह्मण का कर्तव्य है और मंत्रोच्चारण दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ग्राहक तो मिल जाएंगे, प्रभु नहीं। शिव 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 पंडित जी, हम देखे नहीं थे। पंडित चतुर्वेदी को छू लिया तूने? नहीं नहीं, वो गलती से, हम देखे नहीं थे, गलती हो गई, हमें माफी दे दो। अरे कलुआ, ओ मलुआ, यहाँ रे। अरे जल्दी, पंडित चतुर्वेदी को इसने अपवित्र कर दिया है। अरे मारो, 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 जाए दो, कहे भारत, बस, अरे बस करो। सर्वावस्थां What's going on? ब्रह्मण है हम। Lord Brahma personally gave us this most superior caste. प्रजाप्रतिर्यत सहजम रोष्टुद untouchable, he knows, उसको पता है उसकी परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए, और उसने पंडित चतुर्वेदी को छुआ। So Pandit ji needs to purify himself. राम राम पंडित जी, आपके नाम पर लोग उस बेचारे को मार रहे थे, पीट रहे थे, और आप कुछ बोले नहीं। पंडित जी क्या करे, दोष तो नीच का था जिसने पंडित जी का धर्म भ्रष्ट कर दिया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, हमारे शास्त्रों में भी तो यही लिखा है। अरे वाह, पंडित जी को शास्त्र सिखा रहे हैं आप। अगर इतना ही घमंड है आपको अपने ज्ञान पर, तो कर लीजिए पंडित जी से शास्त्रार्थ। श्याम, महादेव की कृपा से हमने भी अपने शास्त्रों का अध्ययन किया है। प्रणाम। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। महादेव जागो, भैभो। प्रणाम पंडित जी। महादेव लड्डू बनाए हैं, भोग लगा दीजिएगा, घर भिजवा दूंगा। भिजवा दीजिए बिटिया, पैसे दे जाए। जी जी पंडित जी, उस जोगी की बात का अर्थ क्या था? अर्थ जान भर लेना पर्याप्त नहीं है, धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है तो जीना पड़ता है उसे। महादेव पंडित जी। महादेव शुक्ला जी। संसार भरा पड़ा है ऐसे घर छोड़ योगियों से, यदि आपको धर्म का मर्म ज्ञात करना है तो केवल पंडित जी की शिक्षा पर ध्यान दें। अंडरस्टैंड मिस्टर पॉल। प्रणाम पंडित जी। महादेव, प्रतिदिन आग्रह करने से हमारा विचार नहीं बदलेगा। गोरखनाथ, हमें किसी संगठन में सम्मिलित नहीं होना। पाल, आफ्टर वन आवर बेटा। ओम सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैलो मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां बद्रनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम खुशमेशम च शिवालये शंभवाय नमः। पूर्वारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तु हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानमं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। माधु संभल के जाना जी, और सड़क से या किसी और का भोजन मत करना। आज भदोही में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। एक विशेष समुदाय के 40 लोग मारे गए, कई घर जला दिए गए। हमारे संवाददाता के अनुसार ये हिंदू मुस्लिम दंगे अचानक कैसे शुरू हुए? अचानक कहाँ, इतिहास भरा है ऐसे दंगों से। एक चिंगारी देता है, दूसरा आग लगा। मामले की जांच के लिए एक अर्थात पिता पुत्र को, पति पत्नी को, संबंधी संबंधी को, भाई बंधु एक दूसरे को त्याग देते हैं, किंतु गंगा जी, गंगा मैया कभी किसी का परित्याग नहीं करती, अगर उसने एक बार भी उनके जल में स्नान किया हो तो। वो जीवन पर्यंत उसके पापों को हर के उसे मोक्ष का अधिकारी बनाती है। इस घोर कलयुग में जहां सद्गुणों का लोप हो रहा है, गंगा मैया की उपस्थिति हमारे बीच सौभाग्य की बात है। महादेव धूले रतिया का घन घो। प्रणाम प्रणाम भाई भो। आपके बाकी विद्यार्थियों को आने में देर हो गई है या हमारे काम जल्दी निपट रहे हैं? तुमने फिर भूलने में शीघ्रता दिखाई पार्वती। हम विष्णु सिंह जी के यहाँ अनुष्ठान पर जाएंगे तो विद्यार्थियों को तुम पढ़ोगी। आज तो अवन है सूर्य प्रकाश की सुबुद्धि के लिए। लगता ही नहीं विष्णु सिंह जी की संतान है वो। उसका मस्तिष्क कितना गर्म रहता है कि उसमें शांत विवेकशील विचार प्रवेश करें भी तो कैसे। इस अनुष्ठान में तो समय लगेगा। हाँ, कई जन्म भी लग सकते हैं। हम हवन के बारे में कह रहे थे, वो तनिक शीघ्र हो सकता है। तब तो दोपहर से पहले आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ब्राह्मण हूँ, सदैव आत्मा के आहार को प्राथमिकता दूंगा। शरीर का ध्यान तो पशु भी रखते हैं। तुम भोजन अवश्य कर लेना। वैद्य जी ने कहा है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक समय पे भोजन करना अनिवार्य है। यदि आपको पता है कि आपकी आत्मा के लिए क्या उचित है तो हमें भी पता है।
हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। स्त्री हो तुम्हें हमारे व्रतों को रखने की ना तो आवश्यकता है ना अनुमति। पता है, पर हम वो एक व्रत अवश्य रख सकते हैं जिसे रखने की आपको अनुमति नहीं। पतिव्रत? Pandit ji, I read somewhere that a woman's Pativrat Dharam says that she must obey all of her husband's wishes. Somewhere nahi, Manusmriti mein likha hai. Adhyay 9 ke shlok 154-55 mein. Husband is God for married woman. Bahut hi badhiya bitiya. Pranam Pandit ji. Mahadev. Paul, a woman without husband has no status in society. Pranam Pandit ji. Mahadev. आइए। प्रणाम। आजकल पंडित जी के साथ किस विषय पर चर्चा हो रही है? एक बहुत ही रुचिकर कॉन्वर्सेशन ऑन अ वुमेन्स पतिव्रत धर्म। अच्छा अच्छा, पिछले जन्म का पुण्य है तुम्हारा जो सात समंदर पार करके पंडित जी से संस्कार और धर्म की शिक्षा पा रहे हो, और ये ही उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति। तुम समझाओगी? चुप। तुम बीच में मत बोलो प्रभा, मैंने कह दिया ना वो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अपवास किए हैं, चलो जी। पढ़ाई है, तरफदारी मत करो ज्यादा उसका। चुप रहो, चुप, एकदम चुप। पंडित जी, क्या हमारा हवन में बैठना जरूरी है? बड़ी मुश्किल से बाऊजी ने एमए में एडमिशन की परमिशन दी है, आज आखिरी तारीख है, और सूर्य भैया कह रहे हैं। बहुत पढ़ लिया, घर में हवन है, चलिए हम पढ़ लें। सूर्य प्रकाश, आप चुप रहिए बाबूजी। ज्यादा पढ़ लिख जाने के कारण ही लड़कियों में संस्कार नहीं रह जाते। पढ़ाई करेंगे। संस्कार? हमारी संस्कृति में तो किसी से भी इस प्रकार बात नहीं की जाती सूर्य प्रकाश, विशेष रूप से अपने पिताजी से। जहां तक मनी का प्रश्न है तो इस पूजा में तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। विष्णु सिंह जी जैसा उचित समझें आदेश दे सकते हैं। तुम जाओ बेटी जी, हवन का प्रबंध प्रभा देख लेगी। फिर आप ही कर लीजिए हवन। रुक जाओ प्रभा। यह हवन तो होगा बेटे, और तुम ही करोगे। ओम त्वं मुखं सर्वदेवानां सप्तारचिर भिद्यते आगच्छ भगवन् अग्ने यज्ञेस्मिन् सनिधो भव। हम कहे दोष पंडित चतुर्वेदी का है, जब बड़ा भाई मना कर रहा था तो वह बीच में काहे वहां लगाए थे। अरे यार, खुद को गौर जो समझते हैं, और ये बाबूजी और बेवकूफ बनारसियों के लिए है भी तो ईश्वर। है तो नहीं ना वो। और होते कौन है लोगों के जीवन का नियंत्रण करने वाले? साले हैं, तुम भी तो वही करना चाहते हो हैं? आई डोंट नो क्या तुम्हें पंडित चतुर्वेदी की नौकरी और पदवी दोनों का लालच है। वेलकम जजमान, कम प्रेम, प्लीज फॉर फादर, ग्रैंडफादर और डैड। लालच कहेगा? पंडित चतुर्वेदी पंडिताई के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजे हैं, और ज्ञान हम कम है क्या उनसे? प्रणाम पंडित जी। वेलकम मैडम, डू अभिषेक पूजा, गंगा रिवर ब्लेसिंग।
कम सिट सिट। आदित्यावस्वरुद्राः विश्वदेवा मुरुदगणाः तिलकन्तु प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धे। ओम मंत्रार्थ सफलाः सन्तु पुनः सन्तु मनोरथाः शत्रु मितताम यान्तु मितताणाम उदयस्तवः। अब मैडम दक्षिणा। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। तुम बोले ठीक है भाई, गोरियों के हाथ पकड़ो, गाल छुओ, घर परिवार भी चलाना होता है भैया। पंडित चतुर्वेदी की तरह हमारा खर्चा आपके बाबूजी तो नहीं देते ना। अरे तो तुम भी तो हमारे मंदिर के प्रधान पुजारी नहीं हो ना, बन जाओ प्रधान पुजारी। रुक भी जाओ भैया। अच्छा अच्छा उठाते हैं, रुको आप। गाय आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं? चलिए चलिए चलिए, हम आपको उठा के दिखाते हैं। आप बड़े प्यारे, बहुत प्यारे। विमला का पुत्र है। क्या हुआ? एक बेचारी औरत प्यासी थी, इसे बच्चा थमाकर पानी पीने चली गई, पर लौटी नहीं। क्या तुम किसी के भी बच्चे को घर उठा लाई? बिना जात का पता किए तुमने उसे छुआ भी कैसे? बच्चा ब्राह्मण का है, वेदिका ने पूछ लिया था। फिर भी बच्चे को घर नहीं लाना चाहिए था, उसकी मां चिंता कर रही होगी। जाओ आप प्रतीक्षा करो उनकी। चार घंटे हो गए वो अभी तक लौटी नहीं, ईश्वर करे सब ठीक हो। तूने उसे बता दिया था ना कि तू पंडित जी की बेटी है? फिर तो वो निश्चित रूप से पहुंच जाएगी यहाँ। आप आरती कीजिए, मैंने सामग्री तैयार कर रखी है। जा इसे वहां बहला ला जा। प्रातः पूजन दोपहर में करने का विचार है। आप चलिए, हम बच्चे के लिए दूध गर्म करके चले जाएंगे, वो भूखा उठेगा। वेदिका की पढ़ाई में विघ्न डालेगा, तुम्हारे और ईश्वर के बीच तो आ ही गया। हमारा अपना बेटा होता तो? वैसे भी ईश्वर मनुष्यों के घड़ी के अनुसार नहीं चलते, वो सब जानते हैं। ईश्वर सर्वज्ञाता है। जागो ले 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 ले। अरे ये क्या कर दिया बुद्धू कहीं का? माँ उठो, ये क्या किया? मैं दूसरा जल्दी से प्रेस करके लाती हूँ। क्या किया? तब तक नहा लो। आरती समाप्त होने पर हम सरपट भाग गया है, तुम्हारे बाबूजी की पूजा की थाल हम उनके आने से पहले तैयार करते हैं। और तुम्हारा ये राजा भैया देर पर देर करा रहा है। वेदिका जी, से उठा ले बेटा, हम नहाने जा रहे हैं माँ, वरना हमें देर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम पूजा की थाल ठीक करते ही उसे उठा लेंगे। माँ
बस हो गया, आप भगवान को शांत कराइए, हम थाली लेके आते हैं। चुभो क्षीर दामन देवेश को क्षीरेण मया कृतम देवेश शिव शंकर। बच्चे की ममता में अंधी हो गई हो तुम। दोबारा स्नान करना पड़ेगा हमें। तुम्हें उसने दो बार स्नान कराया कि नहीं? जा रहे हैं, हम नाश्ता बना देते। माँ हमने सत्तू पी लिया है। ये इतना चीख रहा था ना, हमें लगा मणि आएगी और संभाल लेगी, पर मणि भी नहीं आई। हमें रोटी बना देनी चाहिए थी। माँ आप राजा भैया का ध्यान रखिए, हम अपना रख सकते हैं, और कल सवेरे से जल्दी उठकर हम आपका भी हाथ बटा देंगे। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल तक अगर इस बच्चे की माँ नहीं आई तो इंस्पेक्टर शर्मा से बात करके इसका कोई प्रबंध करवा देंगे। अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। प्रणाम पंडित जी। महादेव तने हाथ पांव धो के हमारी पूरी छान दो जी, नहीं तो हमें भी सत्तू पीना पड़ेगा या गैया की भूसी फांकनी पड़ेगी। प्रणाम।
आप पति शीघ्र अपनी पुत्री का विवाह करें विष्णु सिंह जी। जी शास्त्र अनुसार पिता का पुत्री की ओर क्या कर्तव्य बनता है अब वो हम आपको बताते हैं। कुलम च शीलम च वपुर यशश्च विद्याम च वित्तम च सनातदाम च, अर्थात वर के कुल, शील, शरीर, यश, विद्या, धन और सनाथाता, सनाथाता यानी बड़ों का सहारा। इन सातों गुणों की परीक्षा करके आप अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करें और पुत्री का कर्तव्य है कि वो इस कार्य में अपने पिता का सहयोग दे। पंडित जी की बात समझ गई बेटी? महादेव। और मेरी भी एक बात समझ लो, आज के बाद घर के बाहर नहीं दिखोगी तुम, अगर दिखी तो उस फिरंगी के संग तुमको भी गंगा मैया में डुबो देंगे, समझ गई? तक का मामला था, अगर कुछ हो जाता तो सूर्य प्रकाश की जमानत भी नहीं होती। बच्चे की मां के बारे में पता किया शर्मा जी? हमने पुलिस कंट्रोल रूम से पता किया, पर पूरे जिले में किसी भी बच्चे की गुम हो जाने की कोई भी रिपोर्ट नहीं है। तो क्या बच्चे की मां के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सकता? हम आसपास के जिले में पता कर सकते हैं, पर उसमें समय लगेगा पंडित जी, हफ्ता भर। जिसने अभी तक थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई वो क्या आएगी? त्याग चुकी है बालक को। आप ही कहते हैं ना कि हर घटना का कोई ना कोई ध्येय होता है, तो ईश्वर ने इस बच्चे को किसी कारण से ही हमें सौंपा है। जब तक दारोगा जी बच्चे की मां के बारे में पता ना लगा ले, हम बच्चे को रख ले। मात्राओं को सुधारो। जी बाबूजी। वेदिका यहाँ आओ बेटी। क्या खेला हुआ तुम्हारे टीवी पे आज? राजा भैया के कारण आज हम गायत्री के घर टीवी देखने जा ही नहीं पाए। चलो कुछ तो भला हुआ इस बालक के आने से। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। लड़कियों में ममता तो बचपन से ही होती है। हम चाहते हैं कि वेदिका का विवाह किसी सुंदर से युवक के साथ हो।
तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं, वेदिका का विवाह वहीं होगा जहां नियति ने निर्धारित किया है। नियति ही सब सांसारिक संबंधों का आधार है। मांग खा के सो रही थी वो साली फिरंगी के संग भाग गई और तुम्हें खबर ही नहीं। साला जान से मार देंगे तुमको और उन दोनों को और खुद को भी। इस घर को ही पागल हो गई हो क्या? छोड़ से वो पागल करके गई है। कहां जाएंगे, किसको भूत दिखाएंगे? ये सब आपके और आपके पंडित चतुर्वेदी के कारण हुआ है। फट! हमारे तो दोनों बच्चे खो गए पंडित जी, क्या करें हम? मनी, आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? हमारी बेटी होती तो हम भी कुछ नहीं कर पाते विष्णु सिंह जी। जो कन्या स्वयंवर करती है उसका दायित्व स्वयं उसी पर रहता है। मृतक मान लो उसे, सोच लो तुम्हारी कोई बहन थी ही नहीं। हम कहे अगर पंडित चतुर्वेदी पाल को लिए नहीं घूमते तो तुम इस समस्या में पड़ते ही नहीं भाई। अरे पूजा के फूल को पाव लगाता है साला। ये विधर्मी साले हमारे धर्म को अभी शुद्ध किए देते हैं साले। काहे मार रहे हो भाई, उसने फूलों में तो पैर रखा है, तुम काहे बड़ी फूल हो रहे हो? ठहर जा, शांत हो जा। एक को शुद्ध करने से कुछ नहीं होगा सूर्य प्रकाश। इस समस्या से जूझने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित, समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? धर्म के शत्रुओं का, विधर्मियों का नाश करना हमारा दायित्व है। यही हमारा कर्तव्य है और यही संस्कृति है। हमारा ही धर्म और संस्कृति सबसे प्राचीन और अर्वाचीन है। आज विदेशी विधर्मियों का आक्रमण हमारे धर्म पर लगातार हो रहा है। आप जिस मार्ग पर प्रशस्त हैं उसी मार्ग पर चल के धर्म की रक्षा होगी। आज प्रतिज्ञाबद्ध हो कि हम ऐसे ही धर्म की रक्षा में सतत प्रयत्नशील रहेंगे। प्रतिज्ञाबद्ध हो। क्या हुआ लल्ला? चुप हो जा, अभी आते हैं हम। हम भोजन बना रहे हैं, थोड़ा धैर्य रख ले। चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा, बस आते हैं। क्या हुआ, भूख लगी? अच्छा आते हैं, रुको। चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा। आ रहे हैं लल्ला, आ रहे हैं। आते हैं, आटा सान ले तो आते हैं। आ
रे लल्ला रे। रसोई से बाहर निकले तो सब अशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा स्नान करना पड़ेगा। चुप कराओगी इसे? जब तक हम आपको भोजन नहीं दे दें हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ करेंगे? करिए ना, तनिक उसका झुनझुना हिला दीजिए, बहल जाएगा। नहीं, आपको उसको छूने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे की माँ का कहीं पता नहीं चला। अगर आप कहें तो इसे अब किसी सरकारी अनाथालय में भेज दें। सरकारी अनाथालय में भेजना उचित नहीं होगा शर्मा जी। ब्राह्मण का बालक है, हमारे घर पे आया है, इसमें ईश्वर का कोई प्रयोजन तो अवश्य होगा। हम मंदिर के अनाथालय के कर्मचारियों से कह देंगे कि कल आके इसे ले जाएं। ठीक है। इतनी बुद्धि तो नहीं हम में कि हम ईश्वर का प्रयोजन समझ पाए, फिर भी एक विचार आता है मन में। तुम भी विचार करने लगी हैं? हो गया जगत का कल्याण। मस्तिष्क पर अधिक बोझ मत रखो, जो विचार आया है निकाल डालो, अन्यथा सो नहीं पाओगी रात भर। हम सोच रहे थे कि धर्म और शास्त्रों के बारे में आपसे बढ़िया और कौन शिक्षा दे सकता है। क्या पता ईश्वर चाहते हो कि इस बालक को धर्म का ज्ञान आप कराएं, जैसे अपने बेटे को कराते। तुम बालक को गोद लेने की बात कर रही हो? अगर उसकी अपनी मां आ गई तो? एक से अधिक माताओं के स्नेह का सुख तो भाग्यवान को मिलता है, जैसे आपके शिवजी के पुत्र को मिला। कार्तिके, मगर सारे निशान। पार्वती, पार्वती,
इतना व्याकुल हो रहे हो? हाँ? ध्यान छोड़ा है, अब क्या झुंझुना हिलाए? तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शंभवाय नमः, शंभवाय नमः, नमामि व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। बाबूजी और
हेलो, हम आपका गृह प्रवेश गावन यही करा लेंगे, इससे आपका घर भी गंदा नहीं होगा। पैसा पैसा हमारा वेबसाइट वाला एड्रेस पे भिजवा दीजिएगा। ओके, गुड डे। अरे सॉरी, वहां तो गुड नाइट होगा ना। भैया कैसे हैं? अमेरिका से फोन था। आ गए पंडित जी। अरे कार्तिक, प्रणाम पंडित जी। महादेव कहे अमेरिका से फोन था। विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं हमारे पंडित दयाशंकर जी। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से वैश्य, वो भी धर्म का व्यापार, बढ़िया है पंडित जी। हम कहें इसमें बुराई क्या है? समय के साथ प्रत्येक मनुष्य को बदलना चाहिए। समय के साथ सत्य नहीं बदलता, और धर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। हो सके तो समझने का प्रयत्न करना दयाशंकर। आ रहे हैं बेटुआ। चंदन का ईजल बीजल पान फूल इचरिया लपक उक्का बुक्का तीन तुरुक्का लौवा लाठी चंदन काठी चंदन काका। हम कहें प्रणाम भौजी। आइए दयाशंकर जी। नहीं नहीं, हम यही ठीक हैं। प्रणाम पंडित जी। अब भौजी, हम कहें वो बच्चा जिसे वेदिका को औरत दे गई थी सड़क पे, जिसे पंडित जी पुत्र मानते हैं और आप कार्तिके बुलाती हैं, उसकी माँ आई है उसे लेने। वो कहती है दंगों से बचती दूर गांवों से आई थी, भूख प्यास से व्याकुल घाट पे असक पड़ गई थी। लोगों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। हम कहे वो कार्तिके की माँ अपना बच्चा खो जाने पर अपना मानसिक संतुलन कुछ। हाँ, कार्तिके की माँ, आप स्वयं ही मिल लीजिए उनसे। हमें घाट पे मिल गई थी आप ही का पता पूछते पूछते। आइए आइए आइए। पंडित चतुर्वेदी के घर आपका प्रवेश वर्जित नहीं हो सकता। आइए 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 आइए। जहां बछड़ा वहां गाय। जी नमस्ते, मेरा नाम नफीसा है। मैं मदनपुरा में दारुल मोहसिनात इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, और ये है सुरैया। मुस्तफा इसी का बेटा है। खुदा आपको बरकत दे जो आपने इसके बच्चे को अपने घर में पनाह दी। ये कैसे हो सकता है? वो तो दरअसल बच्चा बहुत छोटा था, उसका तो खतना भी नहीं। किसी के भी बच्चे को घर उठा लाएं? जब भदोई में दंगे शुरू, बिना जात का पता किए तुमने उसे छुआ भी कैसे? ये बेचारी बच्चा ब्राह्मण का के भागी वहां से। वेदिका ने पूछ लिया। मुझे सरकारी अस्पताल में मिली। इसे तो कुछ होशो हवास नहीं था। इसे एक अरसा लग गया ढंग से बात भी करने में, और फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर। उसके बाद कोतवाली में हमें इंस्पेक्टर शर्मा मिले। हम आपको ढूंढते आ ही रहे थे कि रास्ते में दयाशंकर जी मिल गए।
वेदिका, वेदिका! माँ नहीं, माँ, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ, माँ नहीं, माँ उसे मत जाने दो, माँ, दीदी, माँ, माँ उसे मत जाने दो, दीदी, दीदी, ले जाइए इसे। बाबूजी, 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 मुझे नहीं जाना है। बाबूजी, 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 खाली जाने, नहीं, नहीं, नहीं जाना है। बाप, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचि ॐ केशवाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः हम आपसे हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। तुम लोगों के अपराध का दंड हम स्वयं को देंगे। तुम अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाई, हम तो रख सकते हैं। हम इसी क्षण से अनिश्चित काल के लिए मौन व्रत धारण करते हैं। महादेव, हाँ।
आपने शुद्धिकरण कर लिया है पंडित जी, ईश्वर जानता है आपका कोई दोष नहीं है, आपको सच का पता नहीं था। अच्छा यदि आप चाहें तो मौन ना तोड़िए, पर मंदिर का कार्यभार फिर से संभाल लीजिए। बाऊजी रोली तो गिर गई। हम कहें रह गई पंडित जी की पंडिताई धरी की धरी, अपने मैरारू से मूर्ख बन गए। विदर्भी हो गए। पोथी से लेकर भगवान की मूर्ति तक छुआ है उस बच्चे ने। शास्त्रों के अनुसार तो शुद्धिकरण हो गया है उनका, पर इनके मंदिर का कार्यभार उन्हें उस नौकरी का लोप का है। तुम तो अब माला माल हो। हमें नौकरी का लोभ नहीं है भाई, पर मंदिर का प्रमुख तो वही हो सकता है जो हार्दिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में पवित्र हो। और पंडित चतुर्वेदी अब भ्रष्ट हो चुके हैं। अकल ठिकाने हैं तुम्हारी? पंडित चतुर्वेदी ने शुद्धिकरण और प्रायश्चित दोनों कर दिया, वैसे भी उन्हें हटा देना चाहिए, हमारे रहते कभी नहीं। आपका यह फैसला भी हमेशा की तरह गलत है। सरकार ने राजपाट ले लिया और मनी, हम आपके चलते पंडित चतुर्वेदी को अब तक झेल रहे थे, पर अब नहीं। तो क्या करोगे तुम, उन्हें जबरदस्ती हटाओगे उस धंधेबाज दयाशंकर के लिए? धंधेबाज? वो धंधेबाज एक धर्म भ्रष्ट से ज्यादा योग्य है, और आप नहीं माने ना बाबूजी तो हम उसे अपने संगठन की शक्ति से हटाएंगे। तो फैसला हो ही जाए सूर्य प्रकाश, तुम्हारे पास है दयाशंकर, गोरसनाथ और तुम्हारे संगठन की शक्ति, और पंडित चतुर्वेदी के पास है उनका धर्म। हम तुम सबको चुनौती देते हैं, यदि तुम शहर के लोगों का समर्थन प्राप्त कर पंडित चतुर्वेदी को अपवित्र और अयोग्य सिद्ध कर दोगे तो हम पंडित जी के साथ 10 पीढ़ियों से चले आ रहे यजमान और पुरोहित के इस संबंध को समाप्त कर देंगे। आप सर्व ज्ञाता हैं, हम अपने मन और विचारों को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। प्रायश्चित के सारे प्रयासों के उपरांत भी मन विचलित है, हमें पूर्ण समर्पण की शक्ति दें प्रभु। ऐसी शक्ति जो हमें धर्म के सही रास्ते पर चलने के लिए सक्षम बनाए। माँ, बाऊजी ने मौन तोड़ दिया। माँ, अमावस्या की रात्रि के इसी क्षण से
हम चंद्रायण व्रत आरंभ करते हैं। प्रणाम। कहाँ है पंडित जी? वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते। काहे? बोलने लायक नहीं रहे तो मौन व्रत धारण कर लिया का? वो पूजा में है और घोर प्रायश्चित के लिए व्रत का अनुष्ठान लिया है उन्होंने। व्रत? अब कौन सा व्रत करेंगे? पता नहीं। चंद्रायण व्रत? पंडित जी चंद्रायण व्रत करेंगे? ये कौन सा व्रत है? ये चंद्रायण व्रत शास्त्रों में लिखित अत्यंत ही कठिन व्रत है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा को मात्र एक कौर, नित्या को दो कौर, इसी क्रम से एक एक कौर बढ़ाते हुए पूर्णिमा को केवल 15 कौर ग्रहण करने की अनुमति है। फिर पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से एक एक कौर कम करना पड़ता है, अर्थात प्रतिपदा को 14, द्वितीया को 13 आदि। तात्पर्य है कि चंद्रमा की कला बढ़ते समय कौर बढ़ाना और घटते समय कौर घटाना, यही चंद्रायण व्रत है। इसके अतिरिक्त इस व्रत में और कुछ भी ग्रहण करने का विधान नहीं है। शिवाय श्रीमत् प्रसन्न शशिपन्न भूषणाय
शैलेंद्र जाबदन चुंबित लोचनाय कैलाश मंदर महेंद्र निकेतनाय लोकत्रयाकिहरणाय नमः शिवाय पद्मावतार मणिकुंडल को विषाय कृष्णागरु प्रचुर चंदन चर्चिताय भस्मानुशक्त विकचोत्पल मल्लिकाय नीलाब्ज कंठ सदृशाय नमः शिवाय लंबत सपिंगल जटा मुकुटोत्कटाय दशाकराल विकटोत्कट भैरवाय व्याघ्राजिनाम्बरधराय मनोहराय त्रैलोक्यनाथ नमिताय नमः शिवाय दक्ष प्रजापति महामखनाशनाय क्षिप्रम महाधिपुरानवघातनाय ब्रह्मोरचितोरभवितरूढिनिकृन्तनाय योगाय योगनमिताय नमः शिवाय संसार सृष्टि घटना परिवर्तनाय रक्षः पिशाच गणसिद्ध समाकुलाय कृपा से आज चंद्रायण का व्रत समाप्त हुआ। यदि हमारे वचन या कर्म में कोई पाप शेष है तो तेरी इसी अग्नि में हम उसे समर्पित करते हैं। हमें ऐसी शक्ति दो प्रभु कि सब बाधाओं के विपरीत हम धर्म के रास्ते पर चलते रहे। क्षमा कर दीजिए हमें, हमें नहीं पता था कि हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। अब हम कभी भी धर्म के रास्ते से नहीं भटकेंगे। हम तुम्हें क्षमा करते हैं, हमने भी तन मन और आत्मा से प्रार्थना की है। आशा करते हैं ईश्वर हमें क्षमा कर देंगे। अभी देते हैं। प्रणाम परोसो। जल्दी कर दीजिएगा। ओम अन्नपते अन्नस्य नो दैत्यनाम। अब तपस्या समाप्त न मां? हाँ, समाप्त। बनारस के नजदीक सेवापुरी में दो गुटों के बीच छुटपुट झड़प ने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया है। प्रशासन को इसका अंदेशा पहले से ही था, इसीलिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों का इंतजाम भी करवाया गया था, लेकिन भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इन झड़पों के अचानक सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो जाने के मूल कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने जल्द ही स्थिति पर काबू पा लेने का दावा किया है। इलाके में आगजनी, पथराव और लूटपाट की कई घटनाएं हुई है, कई लोग घायल हुए हैं।
घायलों को उचित इलाज भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। कई लोगों के हताहत होने की खबर है। कई शव इतनी बुरी तरह से झुलस गए हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है। मरने वालों में एक विदेशी पत्रकार पॉल गॉर्डन भी है। पॉल हिंदू धर्म पर एक किताब लिख रहे थे। हम सब सूर्य प्रकाश से सहमत है विष्णु सिंह जी, मनी इस घर में अब नहीं रह सकती है। यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? और कौन चुप रही है? आप सब आपके हट की वजह से हुआ है। अब तो रिश्तेदार भी तू तू कर रहे हैं। तो मत रखे रिश्ता। बेटी है हमारी, गंगा मैया में बहा नहीं देंगे उसे। पंडित चतुर्वेदी को आ लेने दीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिएगा, वो भी यही कहेंगे। आपात स्थिति है विष्णु सिंह जी, ये सही है कि मणि स्वेच्छा से इस घर का त्याग करके गई थी, परंतु इस आपात स्थिति में एक विधवा के पिता होने के नाते शास्त्र अनुसार आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके रहन सहन, कपड़े, भोजन और औषधि इत्यादि का प्रबंध करें। रंग बरसे अचरा गम के जिया पिया पिया भोले जिया राम रे पिया जग भय। सेवापुरी में भड़के दंगों की आग बनारस तक पूरी तरह फैल गई है। बदले की भावना से ग्रसित इस हिंसा की वजह से एक विशिष्ट समुदाय में दहशत का माहौल है। स्थिति और खराब ना हो इसलिए मकबूल आलम रोड और उसके आसपास के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सांप्रदायिक तनाव ने इस आध्यात्मिक शहर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा। नमस्ते बहन जी। माँ निजम निर्गुणम
निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश। बहन जी, मेरी, मेरी, मेरी बात तो सुनिए। माँ, मैं कार्तिका है। माँ, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, दंगे हो गए हैं वहाँ। बड़ी मुश्किल से मुस्तफा को बचा के लाई हूँ। कार्तिक, आपका कार्तिक, आपका ही आसरा है मेरे बच्चे को। कालम कृपालम, ये तो आपका ही है। हाँ, गुणागार संसार पारम, इसे बचा लीजिए। दरवाजा खोलिए, वो इसे मार देंगे। तुषारात्रि संकाश, दरवाजा खोलिए। गौरम गभीरम, इसे बचा लीजिए। मनोभूत कोटि, सुनिए खुदा सब देखता है। कल्लोनी चारु गंगा, हम पर रहम कीजिए। बहन जी, इस मासूम की जान बचा लीजिए। बहन जी, आप माँ है, आपका कार्तिक है ये। आप इतनी पतली कैसे हो सकती है बहन? कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानम, खुदा के पास इसे वापस। नीलकंठम दयालम, सुन, माँ को बुला। माँ, बुला माँ को। मा, बुला मा, फिर से बुला। माँ, रघादीश चरमांबरम, बाऊजी को बुला। मुंडमालम, बुला बाऊजी को। बाऊजी को बुला। बाऊजी पूजा कर रहे हैं। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजम। महादेव, हमने उस बच्चे को वापस करके अपने धर्म का पालन किया है ना? हमारे मस्तिष्क की महाशांति फिर से हवन करवा रहे हैं। मस्तिष्क से पंडित जी आ गए, अपना धर्म निभाएंगे। प्रणाम पंडित जी। अच्छा, सुना है कि उसमें से एक चूड़ी वाली गली में भाग गया था। अरे भागता कैसे, भीड़ ने दौड़ा के पकड़ा। पर असली कमाल तो भैया पंडारी ने किया। क्या किया पंडारी ने? प्रणाम पंडित जी। जैसे उस बेचारे हिंदू को छुरा घोंप के मारे वो साले, पंडारी ने भी ठीक वैसे ही किया। तनिक विस्तार से बताइए हुआ क्या? औरत बूढ़े बच्चे जो भी विधर्मी आया सामने, उसकी तलवार की नोक पे। हमारे भाई बंधु, हमारा धर्म विधर्मियों के हाथों मारा जा रहा है। प्रणाम पंडित। रात को हम करेंगे कमाल। विधर्मियों को तो उनके कर्मों का फल भोगना ही होगा। एक भी विधर्मी नहीं बचेगा महादेव की कृपा से। एक भी नहीं बचेगा।
शंगनो रजसस्पति रस्तु जिष्णु पंडित जी, पंडित जी, आज अत्यंत ही शुभ दिन है। आज आप शांति पाठ करने जा रहे हैं और आज ही सूर्य प्रकाश जी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने जा रहे हैं। हम कहें अब धर्म की रक्षा के लिए अब प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। सरल नहीं है प्रेम को त्यागना। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति आत्मोमप्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः संबद्धत्वं मद्भक्तः संवर्जितः सम्भो मनांसि जानतां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः संगच्छत्वं संवद्धत्वं सम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। जय बजरंग बली। हर हर महादेव। पूरा बस्ती खाक कर दो मैं कोसी जात पूरा बस्ती खाक कर दो कोई बस्ती नहीं जाना चाहिए तुम जब इधर अब आई जाओ तो भवन का दादा चलो बाहर भवन से तोड़ मैं दरवाजा तोड़ दरवाजा। तू नहीं लगाएगा हम ही लगाते हैं मुंह ताक रहे हैं अभी अब मुंह से चेहरे हुए आपने चल
करके। कार्तिक है, कार्तिक है, प्रकाश हिंसा घोर अपराध है। ये कर्म भूमि है पंडित जी, और यहां उपदेश नहीं चलेगा, ये चलेगा ये। गुरस पकड़ जा देखो। मुस्तफा बच्चे के मुंह में धर्म को छोड़ रहे हैं पंडित, अभी खत्म कर देते हैं साले को। जन्म से हमने तुम्हें धर्म की शिक्षा दी है सूर्य प्रकाश, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलने देंगे। संगच्छतुम संबद्धतुम संवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आज हमें ज्ञात हुआ धर्म केवल साधना नहीं कर्तव्य भी है, कर्म भी है, एकता और सद्भावना है धर्म, भेदभाव को त्यागना है धर्म, मानवता है धर्म। ये धर्म नहीं है, कार्तिक है। बाबूजी रघुपति राघव राजा रा
पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। भाई भो जागो, छाए अरुणाई भूले रतिया का घन घोर, धूले रतिया का घन घोर, भई भो सपन चदरिया मन की हटा, कर्म गठरिया बांध उठा, सपन चदरिया मन की हटा, कर्म गठरिया बांध उठा, नई दिस का कर ले तू ठार, जागे दस दिशा की बोली, जीवन नैया की डोली, बढ़ जाए पथ पे ले ही लो, भाई भो जागो पल्लव हल राए, सरिता कलिमल हर जाए, घंटे घन अनहद जैसे गाए, उड़ता जाए पाखी नहीं छो, भई भो भो